नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। मदरसा जाना उसे पसंद नहीं था, फिर भी घर वाले उसे जबरदस्ती भेज देते। उसे मजहबी तालीम नहीं चाहिए थी, उसे उर्दू नहीं सीखना था, लेकिन घर वाले चाहते थे कि वो स्कूली शिक्षा से पहले मजहबी तालीम ले। इस तालीम के नाम पर छोटे बच्चे पर दबाव बनाया गया, इतना मानसिक दबाव दिया गया कि उन जंजीरों को तोड़ना चाहता था। वो खुली आज़ादी चाहता था, और चाहे भी क्यों ना, जब उसका मन मजहबी तालीम में लग ही नहीं रहा था। पर अब्बू नहीं माने और उसे रोज जोर जबरदस्ती कर मदरसे भेज देते थे। अब वो बच्चा क्या करता, आप सोचिए उसके दिमाग में कैसे कैसे ख्याल आते होंगे। वो इन सब से दूर जाने की सोचने लगा, और हुआ भी यही, वो बच्चा सब कुछ छोड़कर भाग गया। उसने कुछ ना सोचा न समझा, बस मजहबी तालीम की जंजीरों को तोड़कर घर से कहीं दूर चला गया। घर तो छोड़िए, वो शहरी छोड़कर चला गया, वो भी बहुत दूर, अपनी अम्मी अब्बू को छोड़कर। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर उस बच्चे का क्या हुआ और वो कहाँ चला गया, तो बता दें वो पहुँच गया सपनों की नगरी मुंबई में। दरअसल वो किशोर दिल्ली का रहने वाला था, और जब वो घर छोड़कर चला गया तो उसके माँ बाप ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जामिया नगर थाने में। पुलिस के मुताबिक 14 साल के बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट 27 दिसंबर को दर्ज की गई। इस केस को IPC की धारा 363 के तहत दर्ज किया गया था। SI जनक सिंह और HC रावत को इस केस की जिम्मेदारी सौंपी गई, और कुछ ही समय में उन्होंने गायब लड़के के दोस्तों से उसकी जानकारी हासिल की। दिल्ली पुलिस ने प्रेस रिलीज कर जानकारी दी है। पुलिस ने जब मामले की पड़ताल की तो पता चला कि बच्चे के माता पिता उसे मदरसा पढ़ाई करने के लिए भेजना चाहते थे, लेकिन उसको वो जगह पसंद नहीं थी, उसे ज़बरदस्ती वहाँ भेजा जाता था। एक दिन उसने क्लास को छोड़कर भागने का प्लान बनाया और मुंबई निकल गया, जहां वो घुमक्कड़ों की तरह घूमने लगा। किशोर ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वो एक दिन क्लास के लिए निकला और घर वापस नहीं गया। इसके बाद वो ट्रेन में बैठकर मुंबई चला गया। मुंबई जाने के लिए उसने घर से रुपए लेकर रिजर्वेशन पहले ही करा लिया था। किशोर मुंबई में एक दुकान में काम कर रहा था। बच्चे की खोजबीन शुरू हुई। इसके बाद AHTU यानी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम ने उसे ढूंढा, और पिता पुत्र की काउंसलिंग के बाद उसे उसके परिवार को सौंप दिया गया। पुलिस उपायुक्त राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि 27 सितंबर को किशोर के लापता होने की शिकायत पुलिस को दी गई थी। इसके बाद किशोर के लापता होने की जानकारी दक्षिणी दिल्ली के ASTU टीम से साझा की गई। बच्चे की बरामदगी के लिए उपनिरीक्षक जनक सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने CCTV और करीबियों से पूछताछ कर किशोर को मुंबई से बरामद कर लिया। किशोर ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसका पिता उसे जबरदस्ती इस्लाम और उर्दू की शिक्षा के लिए मदरसे भेजता था, जबकि उसे मदरसा जाना अच्छा ही नहीं लगता था, इसलिए वो इवनिंग क्लास के लिए निकला और घर वापस नहीं गया। फिलहाल बच्चे को परिवार वालों को सौंप दिया गया है, लेकिन सवाल तो अब भी वही है कि आखिर कब तक मजहबी तालीम के नाम पर बच्चों पर दबाव बनाया जाएगा और कब तक उनके भविष्य से खेला जाएगा। आपका इस मामले में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक आप बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।